दोनों टीम के काउंसर कर्मान लिए बैठे हुए हैं, हर मुमकिन कोशिश यहां पर की। 2-0 रमन खतरनाक साली के साथ अंडमिट सर्विस समय। जावेद साहब मुबारक भाई, अबू बकर खान, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और जो वाली और जिनकी मेहनतों का ये सारा है टूर्नामेंट अंकित के हाथ में आने को अंडरस्टैंडिंग लाना होगा, अनुशासन के साथ आना होगा, क्योंकि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, कामयाबी का रहस्य है। लेकिन रमन भी खूबसूरत सर्विस और रिदेश लेफ्ट हैंडर बाल को संभाला रमन ने और ये विपरीत को राइट हैंडर शैलेंद्र विक्रम और फिर लेफ्ट हैंडर कामयाब अपने मकसद लगी सर सर्विसर फाइव सर्विस शालीनार स्पोर्ट्स समाला गुरुरी क्या विनिंग शॉट लगाया है दिलीप, लेकिन रेफरी का इशारा बाल है प्लीज चार स्टॉप थे लिए पहला से चल रहा है मारो जहां पर मौजूद है जिनकी भी तमाम कुर्बानियां हमारी स्टोरमन मार मार और रमन सर्विस सवाला लीपर होने और इस बीच बाल उछाने की जान की रखते हुए करना होगा कि मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर, और शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। फेंक देना वो सामने से आया था उधर गया नाइन अगेंस्ट वन हमारा आजादी स्पोर्ट क्लब द्वारा आयोजित वाली लाल टूर्नामेंट के उनके होनर को दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितेश भाई का जो हमेशा से हमारे इस आजादी स्पोर्ट क्लब का योगदान करते रहे और बेहतरीन से बेहतरीन कि 11 शालीमार 1 अच्छी सर्विस बढ़िया सप्लाई छोटा गेंद मारना चाहते मोहसिन साहब यहाँ पर बैठे हुए इश्क करते हैं पत्थर के औजारों से, आसिफ साहब के लिए खास था मोहसिन साहब की जानी से कि अजीब लोग बिल्कुल वन साइड देखता था मुकाबला, जोश में आना होगा कुछ अपने अंदर ताकत लानी है एनर्जी लानी होगी। इमोनी का लंबा ग्रास गोरू ने आगे बढ़ाया, ग्रीन चलिए
और ये ग्रीन कपड़ा ही प्यारा हाथ क्वालिफाई कर जाएगी उसके लिए फाइनल का द्वार और इस तरह से मुश्किल है पड़े होकर पड़े रहना भी अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी हुआ है। मानो ऐसा लग रहा है कि आजाद स्पोर्ट्स के चारों तरफ कोई जहरीली नागन या कोई खतरनाक जानवर घूम रहा जो लोगों को सूंघ लिया या फूंक मार दिया और बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। शांत वातावरण 13-3 मुकाबले का जोग्राफिया बदल सकता है, खेल की दास्तानें बदल सकती है। संभली स्कोर करने का सुनहरा मौका और ये नीला स्टूडियो और मदनी लाइव स्पोर्ट्स पर दूर तक सुनाई दे रही है, आवाज से गूंज रही है। हिंदुस्तान के बाद लकड़ी एक अच्छी बार से शाली मार लिखी अपने चेहरे की चमक छीन ली वरना दो चार वर्ष में तो बुढ़ापा नहीं आता। मैं इस दौर के मसायब के जहन्नुम में इस तरह से जला हूँ अब कोई भी मौसम और पसीना नहीं आता। शुक्रिया मैं अदा करता हूँ उन लोगों का बाल को सुनाना या मिराज फैजाबादी की जुबान में कहा जाए किसी को भी बेस्ट आखिरी का पहला से चलना है। ताकत की आसमाइश बाय कंट्रोल में बहुत ही शानदार ये मुकाबला चलता हुआ सर्विस मलिक तुसर